अरे रुक जा, आ रहा हूँ आ रहा हूँ आ रहा हूँ। कैसे कड़कड़ाहट लगा रखी तूने? मैं अकेले का? हाँ भाई, प्रणाम प्रणाम सबको प्रणाम। तो सब लगे पड़े अपने अपने ट्राई करने में। है कोल्ड ड्रिंक में है, तीन बार डालना। हेलो, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग? नमस्ते प्रणाम, पहला आपका स्वागत है आज के हमारे नए व्लॉग में। तो श्री कृष्ण कहते हैं, श्री कृष्ण कहने से पहले सेट हो गया, श्री कृष्ण कहते हैं कर्म करते जा, फल की चिंता मत कर। कल हमने कर्म किया था इनको, रात को, रुक जा रहे शेडो, रात को मेले में भेज के, और अब देखो हमारा फल। ये अभी तक सोई है, टाइम हो चुका है 7:15, और हाँ जुम्बा उम्बा तो करना नहीं है, तो ये मस्त घोड़े बेच के सोई है। हमको घोड़े बेच के सोने हमारा एक कुत्ता नहीं देता, ये कुत्ता हमको सोने नहीं देता, बार बार आके सुबह सुबह जगा देता है। ये कितने चक्कर लगा दिए इसने उतनी देर से, चलो इसको लेके जाता है यार। चैन नहीं है ना तुझे? हैं, तेरे से बात कर रहा हूँ, तेरे से मैं, चैन नहीं है तुझे? कच्चा बॉलियाट कर रखा है अंदर बाहर करके। चल तोड़ के चल जा बाहर, जा दरवाजा बाहर तोड़ दे, निकल जा बाहर। रुक, खोल लाओ यार, खोलने तो दे। अरे रुक जा, आ रहा हूँ। कैसे कड़कड़ाहट लगा रखी तूने? तो आज तो संडे, फिर भी मैं खेलने नहीं गया क्योंकि मेरे कलाई में दर्द होता है। कल जो डाइव मारी थी रनिंग के टाइम पे, उससे कलाई चोटिल हो गई है, तो इसलिए मैं गया नहीं आज, कल जाऊंगा। अब कहाँ भाग गया है? चलो या आज तो घुटने में भी दर्द हो रही है, घुटने में थोड़ा चिल्लका हल्का सा। तो ठंड की शुरुआत हो गई है, ये कोहरे को देखकर आपको पता चल रहा होगा। और मैं हाफ में क्यों घूम रहा हूँ, इसके पीछे बहुत बड़ा रीज़न है। बड़ा रीज़न ये है कि हमारे कपड़े सब दिल्ली में ही हैं, यहाँ कुछ भी नहीं है, यहाँ बस गर्मियों के कपड़े हैं। और अब जब जाएंगे जाड़ों के कपड़े लेके आएंगे और गर्मियों के कपड़े रख के आएंगे। शेडो के दोस्त मिल गए, आंटी में बगल वाली आंटी के वहाँ के सारे कुत्ते जिसने भगा जो दिए दोस्त के नाम पे। ओए तूने भगाया क्यों? तो नाश्ता भी हमारा बन चुका है, आज है करेली की सब्जी आलू के साथ। आलू डाल लिया आपने? हाँ, क्यों बिना आलू के कैसे पड़ेगी? क्यों बिना आलू के कितनी बढ़िया लगती है ना। और यहाँ बन रही है चाय, हमारी चाय। चाय कम हो गई शायद मेरे ख्याल से, पका नहीं थी वो हो गई थी, उबाल चली गई थी। तो आज नाश्ता मैंने बनाया क्योंकि आज संडे था, तो मैंने कहा मनु को रेस्ट कर दे देते हैं। तो फिलहाल अब करते हैं नाश्ता, कल हमने मूवी डाउनलोड की थी वो देखते हैं। हेलो, अब कहाँ को तुम्हारी गाड़ी कहाँ को निकल गई? अब अगर इसको एक दिन में घुमा दिया ना, फिर कहेगी मेरे को घर जाना है, मुझे अपने घर जाना है, मुझे घर जाना है। मैं थक गई हूँ ना, यहाँ से उड़के हो जाते हैं। तो चटक धूप पड़ी अभी, चटक बिल्कुल। मेले में जा रहे हैं, चाची का कॉल आ गया, देखा। तो अभी हम जा रहे हैं चाची के वहाँ रस भात खाने, क्योंकि डिमांड थी हमारी रस भात की, तो चाची हमारी डिमांड फुलफिल करती है। और धूप बहुत ही बढ़िया आ रही है, बेहतरीन मौसम हो रहा है क्योंकि ठंड के दिन आ गए, अब धूप भी अच्छी लगती है। बढ़िया लग रहा है।
मैं अकेले का? तो भी खाने से करती अपनी कही देखो वीडियो बनाई गई तो पता लग जा रहा तुम्हारा बनाते हैं टैटू आज सोची क्योंकि यादें पुरानी ताजे की जाए इनके हाथ में दोबारा टैटू बनाया जाए मेरे को नहीं बनाना बहुत बढ़िया मेरे को शौक ही नहीं है टैटू बनाने का इनके हाथों में देखना कितने बढ़िया टैटू बनाए इन्होंने बहुत शौक देखा तुम्हें यही बोलो तुम्हारे भी बना देते हैं आपको टैटू है ऐसा लग रहा है जादू हो रहा हूँ गजब भीड़ हो रही है वो ऊपर तक का हो रही है इसलिए 10x ही हो जा रहा है हम जा रहे प्रोग्राम देखने नंदा देवी के रास्ते में भीड़ इतनी भी है कि आगे की सकने में भी टाइम लग रहा है खाली हो गई थी खाली पहले क्या दिया था मैंने हो गया आप लोग को हो रहा है अभी है आप कहाँ से आए हो विश्वेश्वर मेरा से निकली है उम्र से अच्छा उम्र से हो मैंने वही देखती मैंने कहा खतियाड़ी की टीम भी आती मैंने कहा देखती हूँ बाकी टीम में कहाँ सब आगे बैठी होंगी ऐसे उधर बैठी हूँ इनकी पैरी है नंबर है तो वही आएंगे अभी अच्छा आप कहाँ से हो हम तो यहीं से पूरी रोड खचाखच भरी हुई है इतनी भीड़ इस रोड में कभी नहीं देखी मैंने हम लोग भी वापस आ गए हैं बोर हो गए मतलब मैं तो बोर हो गया था मेरे को नींद आने लग गई थी बोर होते हुए इतने व्लॉग बना दिया तुमने बहुत नहीं है इतना कौन देखना तो नंदा देवी से आने के बाद हम लोग तो सो गए थे मतलब मैं तो सो गया था मेरे को तो बहुत नींद आ गई थी इतना बोर हो गया था मैं देखते देखते सारी इतने सारे हमने छोड़ा देखे फिर मेरे को नींद आने लग गई थी मैंने कहा अंदर से चले आया चलो चलते हैं क्योंकि मेरे को बहुत ही बोर हो गया था तो अभी उठो मैं टाइम हो गया 5:30 तो शैडो को थोड़ा देर खिलाते हैं क्योंकि कल भी हमने उसको नहीं खिलाया क्योंकि कल भी हम इधर ही उधर थे तो आज खिलाते हैं उसको फिर उसके बाद चाय वाय पीते हैं मेले की वजह से इतनी भीड़ हो गई है ना ऊपर जा पा रहे लोग ना नीचे जा पा रहे ये पूरा नीचे तक का जाम ही ना और लोगों से ही भरा है ऐसा नहीं गाड़ी से भरा है गाड़ी तो खाली बाइक वाइक ही है लोगों से ही भरा है सब अब ऐसी भीड़ में नंदा देवी तक जाना तो मुश्किल ही टास्क है भाई खड़े तो हो गए रास्ते में कब पहुंचेंगे आज पहुंचेंगे कल पहुंचेंगे पता नहीं बहुत मुश्किल से पहुंच गए यहाँ तक का नंदा देवी तक का इतनी भीड़ हो रही थी बाहर
अभी मेले के दिन तो और ज़्यादा होते, मतलब जिस दिन डोला उठता उस दिन। अभी तो फिर भी ठीक ही है, कम कम। एक स्टॉल लगा है ये भाई का, चीमा का, अर्जुन का, छल्ले वाला, और सारे दोस्त यहीं पर बैठे हैं। नवल हो गया, नितिन हो गया, भरत नेगी हो गया, अर्जुन, सब यहीं पर बैठे हैं। और भाई क्या रहे हाल चाल? तो सब लगे पड़े अपने अपने ट्राई करने में। यहाँ कोल्ड ड्रिंक पे है 3 बार डालना है, ये जूस की बोतल में 2 बार डालना है, और बाकी में एक एक बार में इनाम मिल जाएगा। ओए चांस मिस हो गया। छोटी बोतल में 2 बार, बड़ी बोतल में 3 बार। Yeah.